हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में डुअल ऐप कैसे इनेबल करेंगे। फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे आपको। देखना है और फॉलो करना है वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने में रहता है फ़ोन में, सेटिंग सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इसको करके इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में एडवांस फीचर। तो आपको एडवांस फीचर पे क्लिक कर लेना। एडवांस फीचर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको एडवांस फीचर पे क्लिक करना है। एडवांस फीचर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में डुअल मैसेज। आपको डुअल मैसेज पे क्लिक करना है। डबल मैसेज पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से अपने फोन में डबल मैसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने फोन में जिसका भी डबल ऐप करना है आप यहाँ से करना है। जैसे कि फेसबुक का डबल ऐप करना है तो उसको ऑन करके अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपके फोन में फेसबुक का डबल ऐप इनेबल हो जाएगा। तो आई फ्रेंड आपको चेक कराए थे, तो इस प्रकार अपने फोन में डबल ऐप इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको हमने अपने फोन में फेसबुक का डबल ऐप किया था तो यहाँ पर आपको फेसबुक का डबल ऐप देखने को मिला था, व्हाट्सअप का और स्नैपचैट का। तो इस प्रकार अपने फोन में डबल ऐप करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।